नवग्रह की नगरी खरगोन में 21 फरवरी से 25 मार्च तक मेला लगाने का निर्णय लिया गया था, जिसे स्थगित करने की मांग को लेकर खरगोन जिले के पत्रकार संघ ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। हम आपको बता दें कि मेला जनवरी फरवरी में लगाने की परंपरा चली आ रही थी। व्यापारियों ने मेला लगाने की मांग भी की, लेकिन समय निकलने के बाद मेला लगने के प्रशासन के इस फैसले के विरोध में पत्रकार लामबंद हुए और मेला स्थगित करने की मांग की। इस दौरान संघ ने बताया कि मेले में बाहर के व्यापारी आते हैं, ऐसे में कोरोना महामारी का खतरा बढ़ने का भय बना हुआ है। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि स्कूलें लगने के साथ साथ बच्चों की परीक्षा का समय नजदीक है, ऐसे में मेला लगाने के बाद संक्रमण बढ़ने की संभावना लग रही है और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वे लामबंद हुए हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। खरगोन शहर की और जिले की पहचान नवग्रह की नगरी के नाम से और नवग्रह देवता का जो मेला परंपरा अनुसार लगता आया है, इस वर्ष कोरोना काल की वजह से आगे बढ़ गया, परंतु आगे बढ़ाने के कारण यह रहा कि अभी प्रशासन ने इसकी स्वीकृति दे दी। अभी विगत 2 सालों से बच्चों की पढ़ाई नहीं हुई है और पढ़ाई की वजह से उनको प्रमोशन मिल गया और वो पढ़ भी नहीं पाए और इस वर्ष परीक्षाओं का माहौल बना और फिर ये अगर मेला लगता है तो उसमें बच्चों की बहुत बड़ा नुकसान होगा, स्टूडेंट का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस वजह से मेले को नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये कोई समय नहीं रहा है। परंपरागत अनुसार इसका समय जनवरी में जाता है, जबकि संक्रांति के पर्व पर सूर्यनारायण का वो जो उदय होता है मकर रेखा के ऊपर जाते हैं, उस समय में इसका महत्व माना जाता है। परंतु इसको कुछ लोगों द्वारा और व्यापारियों द्वारा इसको आगे बढ़ा के इस समय में लगाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने जो स्वीकृति दी है तो हमारा पत्रकार संघ इसका विरोध करता है, इसको नहीं लगना चाहिए। हम जनहित में और शहर हित में ये प्रशासन से मांग करते हैं कि कृपा करके इसको अभी एग्जाम समय पर नहीं लगाएं और आने वाले भविष्य की पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए इस अनुमति को निरस्त किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।